दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। तो अभी आज बात करेंगे, अभी भाई इस वीडियो में जो बात करेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट जो बैन कर रही है वो कर रही है ओनली प्राइवेट क्रिप्टो। प्राइवेट क्रिप्टो में जिसकी कोई ट्रांजैक्शन दिखते नहीं है, ठीक है, जिसका कोई कहीं पे इलीगल तरीके से उस क्रिप्टो करेंसी का काम होता है, तो वो क्रिप्टो करेंसी होगी बैन। ठीक है, चलो बात करते हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लोगों को सेंड करिए क्योंकि उनको पता चल सके पैनिक होने का काम नहीं है। जब तक आप पैनिक होगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब आप पैनिक हो जाओगे तो कोई इश्यू नहीं है। बाकी देखो, अगर गवर्नमेंट अगर क्रिप्टो करेंसी बैन भी करती है, कुछ इश्यू भी आते हैं, तो भी आने वाले दिनों में ये अपने को कुछ टाइम्स मिलेगा, कुछ सेल करने का टाइम मिलेगा कहीं पे भी। अदरवाइज़ आप बाहर के एक्सचेंज ग्लोबल एक्सचेंज से भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर लोगों को सेंड करिए क्योंकि वीडियो, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा पैनिक का माहौल कि इंडियन एक्सचेंज ने, जितने भी इंडियन एक्सचेंज है वहाँ पे यूएसडीटी का प्राइस समथिंग 70 से 68 रुपीज़ के आसपास आया, ठीक है। दूसरा प्राइस INR एंड USDT में काफ़ी डिफरेंस, यानी कि अगर आप जाओगे रात को तो INR और USDT में काफ़ी डिफरेंस था, और जिनके पास प्राइस था तो वो दिखा रहा था INR में, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग USDT में प्राइस देखते नहीं है, INR में देखते हैं, तो हर जगह से यहाँ पे रेड रेड के झंडे लगे हुए हैं, जिनकी वजह से उनके मन में एक डर पैदा हो गया, जिनकी वजह से उनके दिमाग में एक हलचल पैदा हो गई, उनकी वजह से उनका प्रॉब्लम हुआ और वो लोग बाहर निकल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी को सेल करके बाहर निकल रहे हैं। परंतु मैं कहूँगा भाई थोड़ा वेट कर लो, वेट करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि प्राइवेट क्रिप्टो, प्राइवेट क्रिप्टो मिस अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी क्रिप्टो हैं जिनके ट्रांजेक्शन दिखते नहीं है, यानी कि अगर आप कहीं से पे सेल करोगे तो किसी भी उस क्रिप्टो करेंसी को आप ट्रेस नहीं कर पाओगे, या फिर गवर्नमेंट उसको ट्रेस नहीं कर पाएगी, वो होगी बैन, ठीक है। तो सबसे पहले वही देखेंगे और वही इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कौन सी जो क्रिप्टो करेंसी हैं लगभग जो मेरे को पता चली हैं वही मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, लोगों को शेयर करिए जिससे उनको पता चल सके भाई प्राइवेट क्रिप्टो बैन हो रही है। जैसे कि अभी इथेरियम है, BSC कॉइन के ऊपर जो भी कॉइन बने हुए हैं, जैसे कि ट्रोन बेस जो भी कॉइन है, तो वो सब अगर बैन यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी करेंसी बैन हो रही है। सबसे पहले जो नाम आ रहा है जेड केस का आ रहा है। जेड केस जो समथिंग क्रिप्टो है वो जिनका समथिंग कोई ट्रांजेक्शन दिखता नहीं है, इलीगल तरीके से, बहुत सारे बोलते हैं कि इलीगल तरीके से ये इनके ट्रांजेक्शन होते हैं। और दूसरा जो क्रिप्टो करेंसी है देश के अलावा आप पार्टिकल एक कॉइन है जिसका नाम है, और इसके अलावा मोनेरो जो है उनके भी एक, ये भी एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। इसके अलावा वेर्ज जैसे कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर बता देता हूँ, अगर ये हैं तो ये आप इसको आप सेल कर सकते हैं, इसको आप सेल करके कोई अदरवाइज कोई दूसरा कोइन आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये है वेज प्राइस, ठीक है। इसके अलावा वेज के अलावा आप चेक कर सकते हैं होरिजन जो एक कोइन है, जैसे कि काफ़ी अच्छा कोइन था ये होरिजन, यानी कि जेन ये रहा, ठीक है, ये एक कोइन है होरिजन। और इसके अलावा बीम यानी कि 5-6 जो कोइन अभी जो मिले हैं, 5-6 कोइन के नाम मिले हैं, ये लगभग अगर बैन होंगे तो ये सब इस टाइप के कॉइन होंगे, वो होंगे बैन, जो एक प्राइवेट होते हैं, जिनके कोई ट्रांजैक्शन दिखते नहीं है, जिनके कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने किसी को सेंड किया तो कोई किसी को पकड़ नहीं पाएगा, किसके पास गया, कहाँ पे गया, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो इनको इसलिए बैन कर रही हैं कि इनकी जो फंडिंग होती है बाहर के देशों में होती है, जिनको कोई भी गवर्नमेंट अगर ट्रेस नहीं कर पाएगी तो कोई मतलब नहीं है, तो इनको भी बैन होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आप PRS की देखो तो ये सब के ट्रांजेक्शन दिखते हैं कि कौन से वैलेट में आपका पैसा गया, कहाँ पे गया, तो वो सब दिखते हैं, तो वो सब लगभग मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, मैंने अभी आपको नाम बताया था, वापस आपको बता देता हूँ, जेड केस, देश, इसके अलावा पार्टिकल, मोनेरो, वेर्ज, होरिजन एंड बीम, ठीक है। तो बीम जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, ये सब चीज़ें होगी बैन, ओके। इस टाइप की और भी जो क्रिप्टो करेंसी होगी जो प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से चल रही है मार्केट के अंदर, वो होगी बैन। अदरवाइज़ अगर मार्केट को अगर बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी अगर देखते हैं एक हिसाब से, तो मार्केट में
जितने भी लोग थे लॉकडाउन में, या फिर काफ़ी लोग जो लॉकडाउन में थे वो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से अपना पेट गुजारा कर रहे थे, यानी कि यहाँ से कमा रहे थे। उनके पास न तो नौकरी थी न कुछ करने का सामान था। जो समथिंग बेरोजगार हो गए थे वो यहाँ से कमा के उन्होंने उनका परिवार चलाया या फिर पेट भरा, कुछ भी हो गया तो वो सब यहाँ से किया हुआ है। और गवर्नमेंट ये सब करना चाहती नहीं, क्योंकि अदर देशों ने इसको सपोर्ट कर रहे हैं, अदर देश इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, ये भी नहीं करना चाहेंगे भाई साहब ये बैन हो जाए। ये एक लीगल तरीके से पेश करना चाहती हैं कि भाई साहब आप यहाँ से कोई चीज़ बाय कर रहे हो, आपने यहाँ पे सेंड किया तो आपने यहाँ से इतना कमाया तो इसका आप टैक्स पे करिए, ठीक है। उसको बोलते हैं लीगल तरीका। अगर आप इलीगल तरीके से भी करोगे तो भाई दिक्कत तो आने वाला, ठीक है। तो वही बात है कि लीगल तरीका इसमें ला रहे हैं तो इससे कोई पैनिक होने का कोई माहौल ही नहीं है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।